गर्ल्स किचन। आज हम ढोकला बनाएंगे। ये रेसिपी हम कढ़ाई में बनाएंगे। जिनके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है वो इसे कढ़ाई में बहुत इजीली बना सकते हैं, जो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इफ़ यू लाइक द वीडियो और नॉट। तो चलिए शुरू कर दें। ढोकला बनाने के लिए एक बाउल में 2 कप बेसन ले लें। यहाँ मैंने चाय वाले कप से मेज़र किया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 4 लहसुन की कलियाँ, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। इसे भी बेसन में ऐड करें। ढोकला रेसिपी बनाने के लिए हमें 2 नींबू चाहिए, जिसमें से मैं आधा नींबू का रस डो बनाने के लिए यूज़ करूँगी। बाकी का जो 1.5 है वो हम तड़का में यूज़ करेंगे। तो इसमें आधा नींबू का रस डाल दें। इसके बाद ऐड करें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच तेल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और हम पानी से इसका बैटर बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें जिससे इसमें लम्प्स ना बने। और इसको अच्छे से फेंटें 5 मिनट तक। ढोकले का बैटर बनाने में 1 कप और 4 से 5 चम्मच पानी लगेगा पूरा। इसी में बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। ये 4 से 5 चम्मच मैं और पानी मिला रही हूँ और इसको अच्छे से मिलाएं। बैटर रेडी है। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखें, तब तक हम तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमें चाहिए नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच चीनी, मैंने ये वाले चम्मच यूज़ किए हैं चीनी के लिए, और 4 हरी मिर्च जिन्हें मैंने लंबा काट लिया है, और 1/2 चम्मच राई या सरसों के दाने। पानी, तड़का बनाने के लिए एक बर्तन में 2 चम्मच तेल लें। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डालें 1/2 चम्मच राई के दाने। जब इसमें पॉपिंग साउंड आने लगे तो इसमें ऐड करें हरी मिर्च, हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसमें 3 कप पानी डालें। अब इसमें ऐड करें चीनी और लेमन जूस। गैस का फ्लेम फुल पर रखें और जैसे ही पानी में उबाल आए गैस का फ्लेम लो करके इसे 5 मिनट तक उबालें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई लें। कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी डाला है और एक कटोरी लें। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड यूज़ करें, मैं यहाँ कटोरी यूज़ कर रही हूँ। उसको इस तरह से पानी में रख दें। 15 मिनट हो गए हैं, बैटर भी रेडी है।
अब इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करें और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें। बेकिंग पाउडर डालने के तुरंत बाद ही हम इसे दूसरे बर्तन में पोर करेंगे जिसमें हमें इसे बेक करना है। एक बर्तन लें, उसमें एक चम्मच तेल लेके इसको ग्रीस कर लें अच्छे से, और जो ढोकले का बैटर है इसमें पोर कर दें। पोर करने के बाद इसे हम कढ़ाई में कटोरी के ऊपर रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे एक ढक्कन से ढक दें और इसे 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रहने दें। 30 मिनट के बाद ढोकला हमारा रेडी हो जाएगा। 30 मिनट हो गए हैं, ढोकला रेडी है। देखिए ये साइड से भी छूट गया है। टूथपिक डाल के देखें, बिल्कुल क्लीन बाहर आ रही है। ढोकला रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ करें और इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दें। अब ढोकले को निकालने के लिए आप इस तरह की एक प्लेट लें जिसकी साइड्स थोड़ी सी ऊंची हों। ढोकला ठंडा हो गया है, अब इसको निकाल लें। देखिए बिना साइड्स को स्क्रैप किए अपने आप ही बाहर आ गया है और कितना स्पॉन्जी बना है। अब इसको हम काट लेंगे। ढोकले को इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लें। अब पीसेस को थोड़ा अलग अलग रख दें। ध्यान रहे जब हम इस पर तड़का डालेंगे तो ढोकला भी हल्का वार्म होना चाहिए और तड़का भी हल्का वार्म होना चाहिए, दोनों में ना ज़्यादा गर्म हो ना बिल्कुल ठंडे। अब चम्मच से इस तरह से तड़का ढोकले पर डाल दें। देखिए ढोकला कितना जालीदार बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरह से आप ढोकले को 10 मिनट पानी में रखें जिससे वह पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। ढोकला रेडी है। आप इसे चाहें तो फ्रिज में ठंडा करके खाएं या ऐसे ही खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।